सो हे गाइस, न्यूज़ ब्रदर्स। तो फिर बात कर लेते हैं बिग बॉस के बारे में, और बिग बॉस से रिलेटेड मेरे पास काफी सारे न्यूज़ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और काफी सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, इससे हमारी वीडियो की रीच बढ़ती है। फिर बात कर लेते हैं बिग बॉस के बारे में, और बिग बॉस में उनके फैमिली मेंबर एंट्री ले ही रहे हैं, और साथ ही साथ वीकेंड का वार भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इस वीकेंड का वार पे बहुत अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से इस चीज को सजाया गया है। लेकिन होता क्या है कि उससे पहले बात कर लेते हैं ईशा मालविया के बारे में। होता क्या है कि ईशा मालविया के फैमिली मेंबर आए हुए होते हैं, अभिषेक के फैमिली मेंबर आए हुए, समर्थ के फैमिली मेंबर आए हुए होते हैं। लेकिन होता क्या है कि ईशा मालविया के जो फादर आए हुए होते हैं, तो ईशा मालविया को बहुत ही ज्यादा झाड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ईशा मालविया जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही थी, जबकि उन्होंने स्टार्टिंग में एंट्री की थी, तो अभिषेक से बहुत ही करीब थी। लेकिन जैसे ही समर्थ आ रहे थे, वैसे ही उनका रवैया बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, इसके लिए समर्थ की तरफ चली चली जाती। ठीक वैसा ही कुछ लगता है कि बिल्कुल भी समर्थ से अलग करना चाहते हैं उनके फादर। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके रवैया उतने कोई खास देखने को नहीं मिली, तो हो सकता है आगे चल के ईशा मालविया से अलग देखने को मिल सकते हैं समर्थ। तो वहीं पे बात करते हैं अभिषेक के बारे में। अभिषेक बहुत ही ज्यादा सैड थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सैड ही रहता है, इसलिए क्योंकि बिग बॉस में देखने को मिला है कि जब भी किसी से झगड़े होता है तो उसमें भी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है, तुरंत छोटी छोटी बातों को लेकर भी रोने लग जाता है। तो कह सकते हो अभिषेक अपनी जगह पे सही है। और वहीं पे अभिषेक बिल्कुल भी ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करने को मिल रहा था। होता क्या है कि बिल्कुल भी अभिषेक की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी खासी चल रही है, उनके फैमिली मेंबर आए थे, बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन होता क्या है कि अभिषेक बहुत ही ज्यादा रोने लग गया था उस जगह पे। और द खबर इस पे क्या कहते हैं कि पहले विजेता देखने को मिल सकते हैं, तो हो सकता है मुनव्वर फारूकी और अभिषेक, और कुछ कंटेस्टेंट ऐसे भी हो सकता है कि जो बिल्कुल भी नंबर वन पे देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में, और इनमें से कोई एक विजेता हो सकता है मुनव्वर फारूकी या फिर अभिषेक, क्योंकि ये दो चीजें बहुत ही ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में। मुनव्वर फारूकी की जो सिस्टर आई हुई थी, वो भी बहुत ही अच्छा खासा से इस गेम को मतलब अंजाम भी दी है, और उसमें बताने की ये भी कोशिश की है कि मुनव्वर दिखने में जैसा है वैसा है बिल्कुल भी नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी है। और यहाँ तक कि ये भी कहा है कि वो ऐसा है नहीं जिस तरीके से बदनाम भी किया जा रहा है। तो कह सकते हो कि मुनव्वर फारूकी का इस वक्त बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है गेम में। वहीं पे बात करते हैं एमसी स्टैन के बारे में। एमसी स्टैन भी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं मुनव्वर फारूकी से रिलेटेड, जो कि खुद के इंस्टाग्राम पे उन्होंने भी स्टोरी पोस्ट किया है। देख सकते हो ये स्टोरी उन्होंने खुद भी लगाई है। तो कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा सपोर्ट रहा है एमसी स्टैन का। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फिर बात करते हैं तहलका प्रैंक स्टार के बारे में। होता क्या है कि तहलका प्रैंक स्टार जो कि हैदराबाद गए हुए होते हैं, वो वीडियो भी छोड़े हैं, एक बार जरूर से सुनिए। नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना तहलका भाई। दोस्तों हैदराबाद में तगड़ा तहलका, जी हाँ दोस्तों, अरुण भाई के लिए, अरुण भाई के लिए तगड़ा तहलका, तगड़ा मीटअप, ग्रैंड मीटअप होने जा रहा है, जो भारत देश में आज से पहले इतना तगड़ा मीटअप नहीं देखा होगा आपने। जितने यूट्यूबर भाई है जो तहलका भाई से प्यार करते हैं, अरुण भाई से प्यार करते हैं, सारे के सारे टाइम से पहुंचना। जबकि होता क्या है कि तहलका प्रैंक स्टार हैदराबाद गए हुए होते हैं, जो कि इसलिए गए हुए होते हैं कि वो अरुण को सपोर्ट कर सके, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि वहां पे बहुत ही बड़ा मीटअप रखा गया था, अरुण की फैमिली भी होती है, अरुण की वाइफ भी होती है, तो कुछ स्पीच देते हुए नजर आती है। वहां पे होता क्या है कि अरुण के बारे में कई सारी तारीफें वाली बात करते हैं, और वहां पे यह भी देखने को मिलता है कि अरुण के साथ साथ मुनव्वर फारूकी के बारे में भी बात करते हैं, जो कि मुनव्वर फारूकी से रिलेटेड गलत बातें बोल देते हैं, और हो जाता है वहां पे मीटअप पे बहुत ही ज्यादा उल्टा पुल्टा, और काफी सारी जनता भड़क जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप उनके बारे में सही कह रहे हो, आपका हक ये नहीं बनता है कि आप किसी दूसरे इंसान के लिए या फिर मुनव्वर फारूकी के लिए आप गलत बोलो, तो इसके लिए जनता भड़क जाती है, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच जाता है। तो आपने उस वीडियो को देखा या नहीं देखा कमेंट करके जरूर से बताएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आयशा खान के बारे में। लेकिन होता क्या है कि आयशा खान की एक फोटो यानी कि एक वीडियोस भी आपने जरूर से देखा कुछ इस तरीके से, और फिर उसके बाद फिर नाजिला का भी आपने ये फोटो जरूर से देखा होगा, शायद से वीडियो भी देखा होगा। तो इसमें होता क्या है कि एक तीसरी लड़की भी सेम कपड़े देखते हुए नजर आ रही है। देख सकते हैं ये तीनों बिल्कुल भी एक साथ देखने को मिली है, और द खबर इस चीज पे क्या बोलते हैं, तीसरी भाभी वाकई में मिल गई। तो भाई कह सकते हो बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीजें हैं ये सब, एकदम बहुत ही अलग तरीके का। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक सरकारी टीचर के बारे में, जिसका नाम बिल्कुल भी मुकेश कुमार रहता है, वो बिल्कुल भी बिहार के ही रहने वाला रहता है। लेकिन होता क्या है उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो उनके साथ वाकई में नहीं होना चाहिए था। होता क्या है कि उनके एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन होता क्या है कि उनका उतना कोई खास नहीं बनता था, और होता क्या है कि बीपीएससी का वो जब एग्जाम पास करते हैं तो फिर वो मिल जाते हैं सरकारी नौकरी, और फिर उसमें होता क्या है कि उनकी गर्लफ्रेंड जो कि काफी सारे गांव वाले लोगों से मिलजुल कर
यानी कि उसको बिल्कुल भी ये कहने की कोशिश कर रहे कि आपको हमसे शादी करना है, जो कि बिहार में इस तरीके की चीजें शादी होती है। होता क्या है कि लड़के को पहले किया जाता है कि करके बिल्कुल भी उसको अपने एरिया में लाया जाता है और फिर उसके बाद उनसे कहा जाता है कि उनसे जबरन शादी करना पड़ेगा। और इस तरीके का ट्रेंड बिहार में बहुत ही ज्यादा देखने को मिला है। बिहार में इसे बिल्कुल भी पकड़ा हुआ शादी भी कहने को कहे जाते हैं, और कह सकते हो बिहार में ऐसा बहुत ही ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रहा है जो कि जबरदस्ती शादी हो जाती है। तो काफी सारे लोग इस पर ये कहते हैं कि ये वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कि ये वाकई में बहुत ही ज्यादा गलत है। और मुकेश कुमार ने भी यही बात कहने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, और काफी सारे लोग उनके सपोर्ट में वाकई में नहीं देखने को मिले। और ये बिल्कुल भी कल के दिन बहुत ही ज्यादा यह वीडियो वायरल भी देखने को मिला है। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर से बताएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जेठालाल के बारे में। होता क्या है कि जेठालाल किसी फंक्शन में गए हुए होते हैं और वहां पे पापाराजी उनके फोटो वीडियोस वगैरह क्लिक कर रहे थे, लेकिन होता क्या है कि वहां पे पापाराजी कई सारे रहते हैं, उनसे कई सारे सवाल करते रहते हैं, और वहीं पे होता क्या है सवाल के साथ साथ उनसे ये पूछा जाता है कि आप अपने बबीता जी के साथ नहीं आए तो क्या रिप्लाई करते हैं, एक बार जरूर से सुनिए। बेटा जी बबीता की तो भाई ये बहुत ही ज्यादा फनी मोमेंट था। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है, क्या कहना है कमेंट करके जरूर से बताएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं यूके जीरो सन राइडर के बारे में। होता क्या है यूके जीरो सन राइडर जो सॉन्ग लॉन्च कर रहे थे वो बहुत ही जल्द यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। वहीं पे यूके जीरो सन राइडर ये भी बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा खुशखबरी मिलने वाला है। तो हो सकता है जो उनकी कार है उनकी डिलीवरी वो शायद से मुंबई से ले लेते हैं, और काफी सारे लोग ये कहते हैं कमेंट करके कि आपने जो कार ली है वो मुंबई में ली है, लेकिन मुंबई आप आए थे तो मिले क्यों नहीं। तो काफी सारे लोग का क्या रिप्लाई करते हैं ये जरूर से सुनिए। क्या हाल है सब लोगों के, मैं स्टोरी लगाया तो लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं बाबू भैया बॉम्बे है आप मिले नहीं, क्या बोलते हो लैम्बो की डिलीवरी पे मिलेगा लोगों से, अलग ही क्रेज है। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं टोटल गेमिंग के बारे में। होता क्या है कि टोटल गेमिंग जब से फेस रिवील किए हैं तब से उनको कई सारे ऐसे मैसेज आने लग गए हैं जो कि उनको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। मतलब क्या है टोटल गेमिंग यानी कि अज्जू भाई की जो एज है वो लगभग 20-21 ईयर्स के आसपास में है, और काफी सारे लोग ये मैसेज करते हैं ये बोलते हैं कि आपकी जो एज है उसके हिसाब से आप अज्जू भाई नहीं लगते हो, आप फेस रिवील गलत कर दिए हो, आप अज्जू भाई है ही नहीं। तो काफी सारे लोग कुछ इस तरीके से कमेंट करते हैं। तो होता क्या है कि वो बिल्कुल भी फेस रिवील पे बिल्कुल भी Q&A किए हैं, और Q&A में यही बोलते हैं कि काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं रियल नहीं हूं, तो वाकई में मैं रियल ही हूं, मैं कोई फेक नहीं हूं, और मैंने अपनी जिंदगी के मतलब अपनी जिंदगी के बारे में कई सारी ऐसी बातें बता रहे थे ताकि लोगों को रियलाइज हो कि वो ही रियल अज्जू भाई है। तो वो बताते हैं कि मैं गुजराती हूं, और काफी सारे लोग जो बड़े बड़े यूट्यूबर हो जाते हैं या बड़े इंसान हो जाते हैं तो 50 लाख के जूते 5 लाख के जूते ऐसे लोग पहनने लगते हैं, लेकिन ऐसा मेरा कोई शौक नहीं है, मेरा जो शौक था घर बनाना, कहीं पैसे इन्वेस्ट करना, और भी कई सारे ऐसी बातें करते हैं। लेकिन काफी सारे लोग को इस पे रियलाइज नहीं होता है, इसके लिए वो कंफर्म करने के लिए Q&A वीडियो बनाए हैं, तो अगर आपको देखना हो तो उनके चैनल पे देखने को मिल सकता है। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मनोज दे के बारे में। मनोज दे जो कि खुद की उनकी चैनल है जो कि टेक कैटेगरी से मतलब कुछ बताते रहते हैं कि अगर आपको यूट्यूब कुछ सीखना है यूट्यूब से रिलेटेड तो उनके चैनल पे आप विजिट कर सकते हो। लेकिन होता क्या है कि मनोज दे से रिलेटेड एक और फेक आईडी बन जाता है, और उस फेक आईडी से द्वारा वो काफी सारे लोग के साथ स्कैम करता है। होता क्या है कि मतलब पैसे वगैरह लूटना, मतलब उनके साथ पहले भी ऐसा कई सारा वीडियोस देखने को मिला है कि उनके नाम से कई सारे लोग चैनल बना लेते हैं और उसके बाद लोगों के साथ कमेंट करके मैसेज करके बोलते मैं आप सभी का हेल्प करूंगा, और उसी के दौरान उनसे कई सारे पैसे लूट लिए जाते हैं। यानी कि एक महीने पीछे अगर जाते हो तो एक बंदे का बिल्कुल भी 16-17 हजार रुपए लूट लिया था, जो कि वो बहुत ही गरीब इंसान था। तो ऐसे फेक आईडी को बिल्कुल भी रिपोर्ट किया जाना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं एक बार जरूर से सुनिए। गाइस ये एक फेक कोई पेज बनाया है मेरे नाम से और पूरा पैसा लूट रहा है, जाके जल्दी से जल्दी इसको ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट कीजिए, जैसे एक घंटा के अंदर में फेसबुक पेज इसका डिलीट हो जाना चाहिए। ये रहा पेज और ये रहा लिंक, लिंक पे क्लिक कीजिए और पूरा रिपोर्ट मारिए इसको दबा के। तो कुछ इस तरीके से मार्केट में चल रहा है, तो इस चीज से सावधान भी रहिए, अगर कोई कमेंट करता है तो उस पर रिप्लाई करने की कोशिश ना करे। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। आप सभी को पता होगा कि चैनल इस वक्त हमारा नया और काफी सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।